हेलो गाइस, मैं दीपक शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो साइंस क्वेश्चन थे, जो 29 तारीख को 29 दिसंबर को जो शिफ्ट पहली शिफ्ट के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए थे, उनका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो लाइम वाटर होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बच्चों हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बात आप अच्छे से समझना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। बच्चों इसी को ही हम क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना। याद रखना, भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो ये भी याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना कहते हैं। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। जबकि बच्चों एक और बात याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CaO जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, याद रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो क्विक सिल्वर होता है, सॉरी, जो हमारे पास में जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। और बच्चों याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों बिना भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये भी पूरी तरीके से पूछा जा सकता है आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, जो बिना भुजा हुआ चूना होता है CaO, बच्चों इसके अंदर हम क्या मिला देंगे, जल। तो देखो ये बिना भुजा चूना है, कौन सा है, बिना भुजा चूना। और जब इसके अंदर हम वाटर मिला देंगे तो ये वाटर रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मतलब वाटर डालने पर ये भुज जाता है और बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना, लोई लाइम वाटर, भुजा हुआ चूना जिसे लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, भुजा हुआ चूना को ही हम क्या कहते हैं, सफेदी का पानी कहते हैं, या फिर मैं कहता हूं कि सफेदी का विलयन बोलते हैं। ये भी याद रखना, जो सफेदी का विलयन होता है वो यही होता है, इसे अपन लाइम वाटर बोलते हैं। बच्चों हम दीवारों के ऊपर जो सफेदी करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करते हैं। और आपको पता है जैसे ही दीवारों पर हम सफेदी कर देते हैं या रंग पेंट कर देते हैं, उसके कुछ देर बाद में उन दीवारों पर चमक उत्पन्न होती है। तो वो चमक किसके कारण बनती है, याद रखना, जो जब दीवारों पर करते हैं तब गीला रहता है तो वहां से बच्चों वायुमंडल में वाष्प होती है, वाटर का जो गैसीय रूप होता है वो वाष्प होता है, वो तो वाष्प बनकर उड़ जाती है जल। तो और वायुमंडल की जो CO2 है उससे ये क्रिया करके क्या बना लेता है, CaCO3 बना लेता है। बच्चों याद रखना, आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना बच्चों ये किसका सूत्र है, संगमरमर का। याद रखना संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र क्या है, आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि संगमरमर का सूत्र क्या है, तो याद रखना संगमरमर का सूत्र क्या है, CaCO3। बच्चों याद ही रखना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। बच्चों याद रखना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, खड़िया पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़िया पत्थर कहते हैं। इसी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या है, बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या है, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है। चलो आपके इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल, सेल की खोज किसने की। बच्चों ये सेल कौन सी है, कोशिका।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की। आप सभी को पता होगा कि कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कि जो हमारे पास में जो कोशिका होती है, इस कोशिका की जो खोज की है बच्चों, वो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। और कब की है बच्चों? वो की है 1665 में। बच्चों रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कौन सी कोशिका थी? मर्त कोशिका। ये भी बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल थी, मर्त कोशिका थी। ये बात याद रखना अच्छी तरीके से। और जो जीवित कोशिका थी बच्चों, कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका, मैं कहूं जीवित, लिविंग सेल थी, जीवित कोशिका, उसकी खोज किसने की थी? ये बात भी आप अच्छे से याद रखना। उसकी खोज की थी ल्यूवेन हुक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। ये बात अच्छे से याद रखना बच्चों। जो कोशिका होती है, क्या होती है कोशिका? वो कोशिका बच्चों मानव शरीर की क्या है? संरचनात्मक। मानव शरीर की संरचनात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक, संरचनात्मक कौमा क्रियात्मक व सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। तो याद रखना, सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की कौन सी होती का होती है? कोशिका। और कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। सेम टाइप की जो सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ करके टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करती है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ये बात बच्चों अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास में कोशिका होती है, इस कोशिका के अध्ययन को, अध्ययन को बच्चों हम क्या कहते हैं? अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो हमारे पास में कोशिका सिद्धांत दिया था, आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोशिका सिद्धांत है वो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना बच्चों, स्लाइडन, स्लाइडन व स्वान नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था? ये कोशिका सिद्धांत दिया था। और बच्चों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यह सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, वो डेड सेल थी, जीवित जो कोशिका थी उसकी खोज ल्यूवेन हुक ने की थी। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना, और ध्यान से समझिएगा कोशिका के बारे में, और अच्छे फैक्ट समझिएगा जो आने वाले को हमारी शिफ्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं कि कोशिका होती है, कोशिका मापने की इकाई क्या होती है बच्चों? कोशिका मापने की इकाई, तो याद रखना बच्चों, कोशिका मापने की इकाई क्या होती है? माइक्रोन होती है। और याद रखना बच्चों, एक माइक्रोन के अंदर कितने मीटर होते हैं? 10^-6 मीटर होते हैं। ये भी बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और बच्चों ये भी याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये न्यूरॉन कहां होती है बच्चों? इसको हम तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है। तो याद रखना, ऑप्शन में हमें ये भी दे सकता है कि सबसे लंबी कोशिका होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है या तंत्रिका कोशिका होती है। बच्चों इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या है? इसमें बच्चों सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता, क्षमता सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर ये एक बार नष्ट हो जाती है तो मतलब मैं ये कह सकता हूं पुनरुद्भवन की क्षमता मतलब इसके रिकवर, वापस से रिकवर होने की जो रेट होती है वो बहुत कम होती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो काफी दिनों तक, मतलब उसके बहुत लंबे समय बाद में ठीक होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो वापस रिकवर होने की जो रेट होती है वो बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा रिकवर रेट, मतलब मैं कहूं सबसे ज्यादा पुनर्द्भवन होने की क्षमता बच्चों किसकी है, किसकी होती है? वो होती है बच्चों लीवर की, यकृत की होती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है?
तो ये बात याद रखना, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लेड लवाई होती है, याद रखना ये शुक्राणु की कोशिका ही होती है, लेड लवाई होती है। और बच्चों याद रखना इसको ही हम किसके नाम से जाना जाता है, इसी को ही बच्चों पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। ये ऑप्शन में न देकर के आपको पीपीएलओ भी दे सकता है, याद रखना पीपीएलओ के बारे में खास बात, इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो याद रखना पादप जगत का जोकर पीपीएलओ को कहा जाता है। और एक बात और भी याद रखना, ये जो पीपीएलओ है ना, पीपीएलओ ये होता है, वो जीवाणु है वायरस की योजक कड़ी होता है, किसकी? जीवाणु व वायरस की, वायरस की क्या होता है? योजक कड़ी होता है, योजक कड़ी होता है, ये बात याद रखना। और जो सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो बच्चों याद रखना वो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये बात याद रखना। तो ये मैंने कोशिका के इर्द गिर्द आपको सारे क्वेश्चन रिलेटेड बता दिए जो आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर पूछा जा सकता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप जल्दी सी, ठीक है ना? तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन्स सीक्रेट्स बाइल जूस, मतलब वह कौन सा अंग है जो बाइल जूस का, बाइल जूस मतलब पितरस, पितरस का क्या करता है? श्रावण करता है। तो ध्यान से समझिए, आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो पितरस का जो श्रावण होता है वो कौन सा अंग करता है? बच्चों वो करता है यकृत। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस उसका जो सीक्रेशन होता है वो कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। अच्छे से समझिए, ठीक है ना? यकृत किसका श्रावण करता है? पितरस का, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। पितरस का, पितरस को क्या करता है? स्रावित करता है। और बच्चों ये स्रावित होता है ना, उसके बाद में संचित कहां होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये संचित कहां होता है? ये संचित होता है पित्ताशय में। कहां संचित होता है? पित्ताशय में, पित्त की थैली के अंदर क्या होता है? ये संचित होता है, ये बात याद रखिएगा। और यकृत के बारे में और भी अच्छी बातें हैं कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो वह ग्रंथि कौन सी है बच्चों? यकृत है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, ठीक है ना? उसके बाद में याद रखिएगा, अगर मैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करता हूं तो वो थायराइड ग्रंथि होगी, जिसे हम आउटो ग्रंथि भी कहते हैं, गले में होती है, एच आकार की होती है, थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण करती है, जिसकी कमी से गलगन रोग, गैंगा रोग या गाइटर रोग हो जाता है, ठीक है ना? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन से होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आयोडीन की कमी से गलगन, गैंगा या गाइटर रोग होता है। और बच्चों याद रखना यह रोग पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है ना? ये बात याद रखना। और यकृत के बारे में एक और बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, कौन से ऑर्गन में पाई जाती हैं कुफर कोशिकाएं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। एक बात और याद रखना, यकृत की सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? रिकवर होने की जो रेट होती है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्या होती है बच्चों? क्षमता होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सबसे कम मैंने अभी बताया था तंत्रिका, तंत्र की होती है। उसके बाद में एक और बात याद रखना, यकृत के अंदर एक हिपेरिन नामक पदार्थ बनता है, पाया जाता है। ये हिपेरिन नामक पदार्थ होता है ना, जो हमारा जो ब्लड होता है इसका निर्माण यकृत करता है। और याद रखना यह बच्चों, हिपेरिन नामक पदार्थ होता है ना जो रक्त को जमने नहीं देता है। तो याद रखना रक्त को जमने नहीं देता है। कौन सा, ठीक है ना, कौन सा पदार्थ है जो रक्त को जमने नहीं देता है? हिपेरिन। ये यकृत में ही बनता है। एक बात और याद रखना बच्चों, जो आरबीसी होती है
उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह आरबीसी हीमोग्लोबिन में टूट जाती है और हीमोग्लोबिन पित्तवर्णक में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पित्तवर्णक में। याद रखिएगा ये पित्तवर्णक कौन कौन से हैं? एक तो होता है बिलरुबिन, एक तो हमारे पास में क्या होता है बिलरुबिन, बिलरुबिन होता है। दूसरा क्या होता है? बिलवर्डिन होता है। क्या होता है? बिलवर्डिन। ये एक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन्हीं अपशिष्टों के कारण हमारा जो अपशिष्ट होता है उसका पीला रंग होता है। ये बात भी आप याद रखना अच्छी तरीके से। और बच्चों भ्रूण अवस्था के अंदर, भ्रूण अवस्था के अंदर याद रखना, भ्रूण अवस्था के अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण वो भी कहां होता है? यकृत में ही होता है। ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो ये बात मैंने यकृत की बताई, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोन वाज डिस्कवर्ड बाई, प्रोटोन की खोज किसने की थी? तो ये मैंने आपको 28 तारीख की जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया था मैंने, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटोन की जो खोज है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जो प्रोटोन की जो खोज है वो किसने की थी? वो खोज की थी बच्चों याद रखना गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा चुका है ये। और इसका जो नाम दिया था प्रोटोन का, प्रोटोन नाम दिया था, ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था रदरफोर्ड ने। किसने नाम दिया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटोन, रदरफोर्ड ने बताया था प्रोटोन नाभिक के अंदर होता है, ठीक है ना। प्रोटोन पर जो आवेश होता है, आवेश होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का कितना होता है? 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। याद रखना प्रोटोन की जो खोज है वो किन किरणों से हुई है? तो खोज किरण कौन सी है बच्चों? याद रखना केनाल किरण। कौन सी है? केनाल किरण, जिन्हें हम एनोड किरण भी कहते हैं, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई है वो कैथोड किरणों से हुई है। ये बात भी आप अच्छे से क्या करना? ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आया कि विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो याद रखना, मतलब ये पूछा गया है सर्वग्राही, सर्व जो ग्राही रक्त समूह होता है वह कौन सा होता है? तो याद रखना वो होता है एबी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? एबी पॉजिटिव। और जो सर्वदाता होता है, सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह, उस रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। यह भी आप याद रखना, इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है, ये हमारा वो गया। उसके बाद में हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब आपेक्षिकता का या सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना बच्चों किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लेकिन मजेदार बात यह है, अल्बर्ट आइंस्टीन को इस थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार, जो एक सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। आइंस्टीन को जो नोबेल मिला था, याद रखना आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या करने के लिए? व्याख्या करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। और आइंस्टीन ने एक और बात बताई थी E=mc² समीकरण के बारे में। यहां पर E क्या है? एनर्जी है। M क्या है? मास है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान है, ठीक है। C क्या है? लाइट का वेग होता है, जो निर्वात के अंदर 10×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और लाइट का वेग किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। यह लाइट का वेग किसके अंदर है? निर्वात में है, जिसे अपन सी से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना आइंस्टीन ने ही ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध बताया था। तो ये बात भी याद रखना कि ऊर्जा द्रव्यमान संबंध आगे आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। तो आज हमने ये जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया, डिस्कस किया। उसके बाद में आने वाले वीडियो लेक्चर में हम सेकंड के बारे में बात करेंगे। बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी विद्यार्थियों को आप शेयर करें, ताकि उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ मदद मिल सके, पता चल सके कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। धन्यवाद।